हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में। चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का टॉपिक, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम देख रहे थे, तो हमने इसको भाग वन और भाग दो में देखना था। ओके, सो भाग एक में क्या देखा हमने, 8 क्वेश्चन देखे जिसमें हमने अल्लूरी सीताराम राजू के यहाँ पर एंड किया था, और आज हम देखने वाले 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले। आज भाग दो में हम 7 क्वेश्चन देखेंगे, उसी प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से हमने भाग एक में देखा था। कि मतलब क्या है कि हम देखेंगे किस पेपर में आया था ये क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे है, और एक और एक्स्ट्रा चीज दैट इज कि ये किस वीडियो में मिलेगा आपको, किस वीडियो में आपको इसके बारे में पता चलेगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जान लेते कि कहाँ से स्टार्ट करने वाले, कौन से मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो हमने पिछले वीडियो में जो भाग एक है वो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन से छोड़ दिया था, अभी ये 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो भाग दूसरा का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन पूना पैक्ट ऑफ 1932। ओके, जो पेपर आया था मतलब जो सीबीएसई का पेपर था उसमें 2016 में क्वेश्चन आया था। तो पूना पैक्ट है क्या, ये एक ऐसा पैक्ट था जो साइन हुआ था बिटवीन बीआर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के। ओके, अभी इसके पीछे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या रीजन थे, ये सारा कुछ आपको लिखना है। अगर ब्रीफली हम इसको डिस्कस करें तो क्या है, बीआर अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड करते हैं, वो महात्मा गांधी जी को अच्छा नहीं लगता तो फास्ट ऑन टू डेथ चले जाते हैं, मतलब अनशन पे चले जाते हैं, आमरण अनशन पे। उसके बाद उनकी पोजीशन का रिस्पेक्ट रखते हुए बी आर अम्बेडकर जी मान जाते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड हम पीछे लेते हैं, और फिर वो पैक्ट साइन करते हैं जिसकी वजह से उनको सर्टन चीजें मिलती बी आर अम्बेडकर, और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो थे, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे दलित, उनको कुछ चीजें मिल जाती जैसे रिजर्व सीट्स मिल जाना वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारा कुछ पूना पैक के इसमें होता है। तो ये कहाँ मिलेगा, अभी ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, राइट। सो ये था पूरा पूना पैक के बारे में जो 1932 को साइन हुआ था बिटवीन बी आर अम्बेडकर जी एंड महात्मा गांधी जी। अब दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी जी। ये कौन से पेपर में आया था, ये सीबीएसई के पेपर में आया था जो 2016 को प्रिंट हुआ था, मतलब आप कह सकते हैं कि सीबीएसई के 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया था, राइट। तो देखिए अब इसको, जैसे कि हमने ये देखा था हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, इस वीडियो में हमने देखा था कि मैंने लिखा था कि अलग अलग स्टेजेस में ये ओपन होने वाला था, तो स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री करते हुए आपको लिखना है। तो इसको कैसे लिखना है बताता हूं मैं। सबसे पहला स्टेज था कि आपको सारे टाइटल सरेंडर करने, दूसरा स्टेज था कि सिविल सर्विसेज, देन आर्मी पुलिस लॉ कोर्ट, ये सारी चीजें जॉब छोड़ देनी है, और तीसरा स्टेज था कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन यूज करती है तो क्या करना है, आप ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट होगा। सो इस तरह से इस तीन स्टेज में मूवमेंट खुलने वाला था जो गांधी जी द्वारा बताया गया था, राइट। सो इस तरह से क्या हो रहा था, ये स्टेजेस में खुलने वाला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने वाला था, राइट। सो इसका यही आंसर है। तो ये कब ये हुआ था, क्या बोलते हैं, कब आया था, कब क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई के पेपर में पूछा गया था 2016 को। उसके बाद क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन टू समझ में आ गया ना किस तरह से लिखना, क्या लिखना है। अब क्वेश्चन थ्री, When did nationalism spread in India? तो इसमें आपको सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का पूरा सेक्शन लिखना है, अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, राइट। सो किस तरह से लिखना है, क्या करना है, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, वो अब आने वाले जो आगे वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा मैं। तो इसको डिस्कस करते हैं पहले क्या है। तो इसमें आपको पहले लिखना है, ब्रीफली लिखना है कि मतलब टॉपिक्स लिख लेना, जैसे रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री होगा, फोकलोर, आइकन एंड सिंबल्स, ये सारी चीजें आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है, पहले ब्रीफली लिख लेना है, इमेज ऑफ भारत माता हो गए। ओके, सो ये सारी चारों चीजें आपने ब्रीफली लिख दी, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिटेल में लिखना, क्योंकि ये 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो आपको हर एक टॉपिक को, मतलब आपने पहले सब टॉपिक्स लिख लिए कि किस तरह से क्या है, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, राइट। सो इस तरह से इसका आंसर लिखना है कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे स्प्रेड हुई थी इंडिया में। ओके, ये सब कुछ लिखना है। तो ये हॉट क्वेश्चन था, ये एक और मतलब पूछा जा सकता है ऐसा एक क्वेश्चन था जो हायर थिंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, दैट इज राइट अ नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जलियांवाला बाग में लोग जमा होते हैं, फिर वो जनरल डायर अंदर आते हैं और फिर ओपन फायर करते हैं। दिखने में मतलब बताने में बहुत इजी लगता है, बट आंसर आपको डिटेल में लिखना, बिकॉज दिस इज 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है, ये हॉट क्वेश्चन था, राइट, ये अगेन हॉट क्वेश्चन था, बड़ा इजी आंसर इसका, आपको इसे थोड़ा सा डिटेल में लिखना है।